अक्षय कुमार बॉलीवुड के बेस्ट एंड टॉप एक्टर्स में से एक हैं। अक्षय एक स्टार होने के साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से अक्षय कुमार का करियर ग्राफ बहुत ही नीचे आ गया है और उनकी रिलीज हो रही सभी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। जैसे कि अभी हाल ही में रिलीज हुई सेल्फी मूवी अक्षय के करियर की सबसे कम ओपनिंग डे कलेक्शन वाली दूसरी मूवी बन चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 7 रीजंस बताएंगे कि आखिर क्यों अक्षय कुमार की मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 7, चार्जेस फॉर मूवी। अक्षय कुमार बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर के साथ साथ हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से भी एक हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अगर मूवीज की बात करें तो बेल बॉटम मूवी के लिए अक्षय ने 117 करोड़ रुपए, पृथ्वीराज के लिए 90 करोड़ और बच्चन पांडे के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। अगर बजट की बात करें तो बेल बॉटम मूवी का बजट 168 करोड़ रुपए था, तो वही पृथ्वीराज का बजट 250 करोड़ रुपए और बच्चन पांडे का बजट 165 करोड़ रुपए था। इससे पता चलता है कि अक्षय कुमार एक फिल्म के लिए जितनी फीस लेते हैं उनसे एक अच्छी खासी मूवी बन सकती है। जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अक्षय को एज अ हीरो अपनी फिल्म में लेते हैं उन्हें फिल्म के बजट से लगभग आधा अमाउंट अक्षय को पे करना पड़ता है, और अगर फिल्म ने अच्छा कलेक्शन नहीं किया तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। नंबर 6, चेंजिंग ऑडियंस प्रेफरेंस। इतने सालों में मूवीज ऑडियंस के टेस्ट में बहुत बदलाव हुए हैं। आजकल वैसे कंटेंट या मूवीज को ऑडियंस ज्यादा पसंद करते हैं जो कि सोशली रेलेवेंट हो, ज्यादा रियलिस्टिक हो और डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। नो डाउट कि अक्षय ने स्पेशल 26, पैडमैन, जॉली एलएलबी 2 और बेबी जैसी एवरग्रीन मूवीज दी हैं, और शायद उन्हीं मूवीज के कारण अक्षय की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अक्षय ने ऐसी कोई भी मूवी नहीं दी है जिनमें उनकी परफॉर्मेंस या फिर मूवी का कॉन्टेंट बहुत ही अच्छा हो। से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार। नंबर 5, टू मच रीमेक्स। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बॉलीवुड में आजकल ज्यादातर मूवीज साउथ या हॉलीवुड की रीमेक होती हैं, और पिछले कुछ सालों में अक्षय की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं उसमें रीमेक मूवीज भी इंक्लूड है, जैसे कि बच्चन पांडे, लक्ष्मी, कठपुतली या फिर सेल्फी। आजकल ऑडियंस रीमेक मूवीज को पहले ही बॉयकॉट कर देती हैं, जबकि अक्षय कुमार उन मूवीज का रीमेक बना रहे हैं जो पहले से ही हिंदी में अवेलेबल है, जैसे कि कंचना या फिर रत्सासन। ऐसा नहीं है कि हर रीमेक मूवी वॉस्ट होती है, बल्कि रीमेक मूवीज क्लासिक स्टोरीज को नए ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराती हैं। लेकिन अगर हर मूवी का रीमेक बनाया जाए तो इससे फिल्म इंडस्ट्री में ओरिजिनैलिटी की कमी हो सकती है। नंबर 4, कॉम्पिटिशन। आजकल बॉलीवुड में कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज हो गया है। इंडस्ट्री में नए एक्टर्स के आने से कंपटीशन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम अक्षय कुमार की बात करें तो आफ्टर भूलभुलैया 2 कई लोग अक्षय और कार्तिक आर्यन में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में कई एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान को भी नए एक्टर्स रणवीर कपूर, वरुण धवन और रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। नंबर 3, ओवर सेचुरेशन। एज वी ऑल नो कि अक्षय कुमार कितने डिसिप्लिन एक्टर हैं। अक्षय बॉलीवुड के वैसे एक्टर हैं जो एक साल में 4 से 5 फिल्में रिलीज करते हैं। आपको बता दें कि अक्षय उस फिल्म में काम नहीं करते हैं जिसकी शूटिंग 100 दिनों से ज्यादा होती है। अक्षय ने पृथ्वीराज जैसी हिस्टोरिकल मूवी की शूटिंग भी 45 दिनों में पूरी कर ली थी। इससे पता चलता है कि अक्षय फिल्मों में क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं। नंबर 2, पुअर स्क्रिप्ट सिलेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि अक्षय कुमार ने जॉली एलएलबी 2, स्पेशल 26, पैडमैन जैसी ग्रेट मूवीज दी है। उन सभी मूवीज के स्क्रीन प्ले, मेन लीड का कैरेक्टर, स्टोरी, हर चीज अच्छी थी, इसलिए अक्षय की वो मूवीज बहुत ही रियलिस्टिक और ऑथेंटिक लगी थी। लेकिन उनकी रिसेंट मूवीज के स्क्रीन प्ले से लेकर डायरेक्शन तक कुछ भी परफेक्ट नहीं था। उनकी मूवी हाउसफुल 4 की राइटिंग से लेकर उसके जोक्स और इसके अलावा कई सारी चीजें बकवास और बेमतलब थी। लक्ष्मी मूवी का भी यही हाल था, उसके जोक्स और अक्षय की एक्टिंग बहुत ही हॉरिबल थी। इससे पता चलता है कि अक्षय फिल्मों के लिए अच्छे स्क्रिप्ट का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। खीर खिलाओगी? खीर? पहले तू खा तीर। बोला, हमारी प्रजा पर ऐसा जुल्म? क्षमा पिताश्री, क्षमा। नंबर 1, को स्टार्स एज गैप। ये बात सच है कि अक्षय इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं, और कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 50 से ज्यादा है, लेकिन अक्षय 25 साल के भी नहीं लगते हैं।
रिसेंटली उनकी जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं उन सब में उनकी को एक्ट्रेसेस की एज अक्षय से आधी थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन ऑडियंस के लिए मूवी में हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जबकि अक्षय की फिल्मों में उनकी को एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी मैच नहीं करती। जैसा कि अतरंगी रे में अक्षय कुमार के साथ हमें सारा अली खान दिखाई दी थी जो उनकी बेटी की जैसी हैं, और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि ऑडियंस को अक्षय की मूवीज पसंद नहीं आ रही हैं। ये थे ऐसे 7 रीजंस जिनके कारण अक्षय कुमार की मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। इस वीडियो में जितने भी रीजंस थे वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आपकी राय इस बारे में अलग भी हो सकती है। वीडियो खत्म होने से पहले डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके अकॉर्डिंग अक्षय कुमार की मूवीज फ्लॉप होने के रीजंस क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।